हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक स्मार्ट रेडियो जो आया है, एक नया मॉडल यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो क्रिप्टन कंपनी का एक न्यू मॉडल आया है दुबई में। तो मैं इसके अनबॉक्सिंग करता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है और ये जो है कि किस तरीके से वर्क करता है। मतलब इसके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है और ये जो है कि एक बिल्कुल न्यू मॉडल है। इसको आप देखोगे तो काफी पसंद आने वाला है ये रेडियो और इसके अंदर बहुत ही सारे हमें फीचर देखने को मिलने वाले हैं। तो वैसे अभी तक आप चैनल पर नए हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेने। ऐसे ही जो है कि मैं नई नई रेडियो की वीडियो, नए नए प्रोडक्ट की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो हर एक वीडियो आपके पास को आती रहेगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो वैसे अभी करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, देखते हैं प्ले करके। सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ अली, आप देख रहे हैं एमएम टेक्निकल चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो कि हमें देखने को मिलता है इसका इस तरीके का बॉक्स, यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं एक नया मॉडल आया है कुछ इस तरीके का। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो मैं जो कि आपको बताने वाला हूँ। एफएम भी मिलने वाला है यूएसबी से, आप इसमें जो कि गाने चला सकते हो, MP3 चला सकते हो और इसके अंदर एफएम रेडियो, ये ब्लूटूथ वगैरह का ऑप्शन भी है इसके अंदर। और यहाँ पर बैंड काफ़ी सारे इसके दिए गए हैं, एफएम रेडियो 3B एंड 3 बैंड इसके अंदर दिए गए हैं। ये ऑप्शन है ब्लूटूथ का यहाँ पर, जो इसका मॉडल नंबर है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से साइड से देख लेते हैं, यहाँ पर जो कि जो इसका प्राइस है वो है 115 दिरहम। अगर हम इंडिया की अकॉर्डिंग की बात करें तो भाई 2000 से ऊपर के आसपास में ये रेडियो आने वाला है। ये कुछ एकदम नया मॉडल है और यहाँ पर इसकी स्पीकेशन वगैरह दी गई हैं इसके अंदर सेम, जैसे कि MP3 FM डबल स्पीकर वगैरह देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे 200 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। साइड से भी जो कि हमें कुछ इस तरीके का ही देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे भी जो कि इसकी स्कैन से जो कि वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। फाइनली हम इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके देख लेते हैं इसके अंदर से हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो कि हमें ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। ये है भाई रेडियो, ये कुछ इस तरीके से इसको जो है कि हमें निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो कि आता है एक रेडियो और एक बॉक्स में ये आता है इसका चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए आप डायरेक्ट इसको जो है कि आप लाइट से चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि इसका ये आता है स्ट्रिप, ये स्ट्रिप टाँगने के लिए मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी बॉक्स वगैरह मिलती हैं, ये देखो देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर वारंटी मिलती है 2 साल की, तो वारंटी कार्ड भी यहाँ पर ही मिलता है। इसको साइड में रखते हैं और अभी हम अपने रेडियो को देख लेते हैं। रेडियो का जो पैकिंग है ये देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का पैकिंग जो है कि हमें देखने को मिल रहा है। और भाई ये आया है हमारा रेडियो कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर सेम कुछ इस तरीके का, जिस तरीके का यहाँ पर जो बॉक्स पर छपा है वो सेम जो है कि हमें देखने को मिलता है रेडियो इसका। और यहाँ पर इसका जो है कि कवर भी देखने को मिलता है, यहाँ पर ये एक कवर भी दिया गया है इसका और ऊपर भी कवर दिया गया है, साइड से भी कवर दिया गया है। और यहाँ पर ये खोलने का भी ऑप्शन है कि इसके अंदर जो कि हम ये खोल सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा। यहाँ पर ये चटकनी दी गई है, तो यहाँ पर जो है कि सेल डालने का भी ऑप्शन दिया गया है। देखो यहाँ पर छोटे वाले इसके अंदर सेल डाल के भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है एंटीना जो काफी बड़ा है। इधर साइड में जो है कि चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, ये वाला जो केबल है इससे डायरेक्ट लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। और साइड से देख लेते हैं, यहाँ पर एयरफोन लगाने का ऑप्शन और यहाँ पर जो इसके स्टेशन रहते हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कि मिलता है बैंड के लिए, यहाँ पर ये बैंड चेंज कर सकते हैं आप, कोई सा भी बैंड यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो ये बैंड का है यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो इसकी सुई है इसको घुमाने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो ये काफी अच्छा है इसका, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है। यहाँ पर एंटीना मिलता है 1.5 मीटर का और यहाँ पर ऊपर जो है कि बटन मिलते हैं हमें, यहाँ पर स्टॉप करने के लिए मिलता है, आगे पीछे करने के लिए मिलता है और यहाँ पर चिप लगाने के लिए मिलता है, यहाँ पर USB लगाने के लिए मिलता है। आप इससे जो कि गाने चला सकते हैं USB से डायरेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके का रेडियो है, काफी अच्छा जो है कि है, लाइट वेट है। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर जो कि मिलता है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ करेगा नीचे को, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेडियो है कुछ इस तरीके से चल गया है। अभी यहाँ पर जो है कि हमें बैंड चेंज करने पड़ेंगे, तो ये जो कि SW में है, ठीक है। SW का जो है यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है कि आते हैं गाने और रेडियो, तो ये पकड़ता नहीं है। तो यहाँ पर FM जो है कि मैं करेगा यहाँ पर, तो देखो FM जो है कि आ गया और यहाँ पर ये स्टेशन जो है कि पकड़ने लगा है FM के। ये FM जो है कि पकड़ने लगा, देखो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से FM पकड़ लिया इसने।
और अभी मैं अंदर हूँ तो ये थोड़े कम पकड़ रहा है, मगर फिर भी देखो काफी अच्छी तरीके से पकड़ रहा है ये। बहुत ही अच्छी तरीके से जो कि ऐसे भी पकड़ा, तो अभी मैं इसका ब्लूटूथ जो है कि चलाता हूँ और इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसे आती है। सो अभी जो है कि मैंने कर लिया है ब्लूटूथ से कनेक्ट इसको, और यहाँ पर ये बटन दिए गए हैं तो यहाँ से भी जो कि आप इसको चला सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये हो गया है। यहाँ से दूसरा गाना भी आप चेंज कर सकते हो। फ्रेंड इसके अंदर जो है हमें साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है काफी अच्छी देखने को मिलती है, और ये बहुत ही ज्यादा पतला है। यहाँ पर देख सकते हो स्लिम रेडियो है, और यहाँ पर यूएसबी का और चिप का जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि इसके अंदर आप लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक ही गाने चलने लगेगा। यहाँ पर बीटी पे जैसे लेकाओगे तो यहाँ पर ये ब्लूटूथ का भी ऑप्शन आता है, और यहाँ पर ये यूएसबी और चिप का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ से जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, यहाँ से जो कि आप प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से जो कि स्टॉप कर सकते हैं, आगे पीछे को भी यहाँ से जो कि आप कर सकते हो। तो ये जो है कि मॉडल जो है ये जो कि पुराना मॉडल जो आता था तो उस जैसा का ये मॉडल अभी लिया है, और जो है कि ये अभी एक नया मॉडल आया है। तो फ्रेंड कैसी लगी इस रेडियो की वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। ये जो है कि एक पुराना मॉडल था जो अभी नहीं आते थे, और ये कुछ इस तरीके से एक पुराने मॉडल का जो है कि मॉडल आया है, जो ये एक न्यू मॉडल है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अंदर जो कि हमें कितने सारे फीचर देखने को मिलते हैं वो मैंने जो कि आपको बताया। ये जो है कि इसका जो स्पीकर है डबल स्पीकर जो है कि है, और काफी अच्छी तरीके इसके अंदर हाई क्वालिटी की आवाज हमें देखने को मिलती है गाइस। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही जो कि नए नए रेडियो की वीडियो, नए नए प्रोडक्ट की वीडियो, और कभी कभी मैं इस वाले जो है कि चैनल पर लेकर आता हूँ गिवे, तो हर एक प्रोडक्ट जो है कि अगर मैं गिवे लेकर आता हूँ तो वो जो है कि आपको मिलता रहेगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले दीजिए इजाजत, गुड बाय।